आखिरकार इसका नंबर भी लगे गया। तो दोस्तों ये ड्रेसिना की वैरायटी जिसको सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, देखिए मेरे हाइट से कितना ऊंचा हो चुका है। और इस फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भारतीय क्रिएटिव यूनिवर्स। तो दोस्तों आज जो है इसको आज हम प्रून करेंगे और इसको वापस से रिपोर्ट करेंगे। देखिए पहले मैंने इसमें कटिंग किया था तो कटिंग के वहाँ से काफ़ी सारे अच्छे शूट्स आ गए हैं। तो देखिए काफ़ी लंबा जा रहा है तो इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी। अब कट करने के बाद में देखिए इतना भाग निकल गया और उसके बाद जो है देखिए इसमें कितने अच्छे अच्छे शूट्स। वाटर ऑफ थाउजेंड का प्लांट है तो उसको मैं किसी और पॉट में लगा दूँगी। देखिए यहाँ पर कितनी नए नए शूट्स दिख रही है, नीचे भी दिख रही है, यहाँ पर शूट्स दिख रहे हैं। अगर इसको कट कर दिया तो ये शूट जल्दी से ग्रोथ करेंगे और जो ये मेरा प्लांट और अच्छे से घना हो जाएगा। देखिए किस तरह से इसकी रूट बाउंड हो रही है, सारे रूट जो पीछे पॉट के होल से निकल रहे हैं बाहर। तो इसको जो रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले तो इसकी मिट्टी को थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी और मिट्टी ढीली करने के बाद में इसको गमले को उल्टा करके ऊपर से आप हल्का सा ठकठकाएंगे तक तो जो है मिट्टी अच्छे से जो पूरे जड़ के साथ में पौधा जो देखिए इस तरह से पैर लगा के आप आराम से इजीली इसको निकाल सकते हैं। और ये देखिए इसकी रूट जो किस तरह से बाउंड हुई है तो इसको ही हमें ठीक करना है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि या तो गमला भी फट जाता है, टूट जाता है, या फिर जो है पौधा अच्छे से जो है ग्रोथ नहीं पकड़ता। बट मेरे प्लांट में तो ग्रोथ था लेकिन रूट जो था इसमें गुड़ाई उड़ाई नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए जो इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी। और इसके लिए कट करने के लिए आप कोई भी तेज चाकू ले सकते हैं या फिर देखिए मैंने यहाँ पे जो है आरी ली है और इस तरह से इसको पूरा बिना डरे आप इसको जो है ऐसे आप इसको कट कर सकते हैं। हाँ अगर आप न्यू गार्डनर हैं तो इसका ध्यान रखिएगा कि ये काम करते समय जो या तो बारिश का सीज़न हो तो ही करिए, या तो फरवरी का महीना हो या फरवरी मार्च हो, ना ज़्यादा ठंडी हो ना ज़्यादा गर्मी हो, क्योंकि ज़्यादा ठंडी और ज़्यादा गर्मी की वजह से जो है ये काम आप ना ही करें। और देखिए किस तरह से जो इसकी जड़ें निकल गई, जैसे लग रहा है कि ये चिड़िया का घोंसला जैसा, जरूर इसका मैं अपने किसी न किसी DIY में ज़रूर यूज़ करूँगी। तो इस तरह से देखिए मैंने जो है रूट के वहाँ के सारी जो है मिट्टी भी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की साइड साइड से निकाल दी और जो एक्स्ट्रा जो ज़्यादा मुझे जो जड़ें दिख रही हैं उसको मैंने सीजर से कट कर लिया। उसके बाद मैंने थोड़ी सी गोबर की खाद मिला ली है और घर का बना हुआ कंपोस्ट जो है मैंने उसमें मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला दिया जिससे कि इसको फंगस ना लगे, फंगस हल्दी पाउडर काफ़ी अच्छा रहता फंगस से बचने के लिए। और उसके बाद जो बाद में गार्डन के सूखे पत्ते मिला दिए, सूखे पत्ते क्या कि एक्चुअली गमला बड़ा होता है तो उसमें अगर आप नीचे सूखे पत्ते मिला दें तो आपको मिट्टी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। और देखिए ये मैंने डिकम्पोज होने के लिए मैंने कुछ ब्राउन पेपर्स और गत्ते रखे थे तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है जो नाइट्रोजन का सोर्स होता है, तो वो मैंने नीचे बिछा दिए हैं। और इस तरह से मिट्टी डाल दें, मिट्टी डालने के बाद सेंटर में मैंने अपने पौधे को रखा। पौधे रखने के बाद मैंने चारों तरफ से इसको अच्छे से मिट्टी से दबा दिया और मिट्टी इतनी अच्छे से दबानी जिससे कि इसमें एयर पॉकेट्स ना बने, क्योंकि एयर पॉकेट्स की वजह से जो है हमारे इसमें फंगस लगने के चांसेस रहते हैं। तो मिट्टी को अच्छे से दबा दीजिए और दबाने के बाद में इसमें पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद में आपका जो है गमले को किसी शेडी एरिए में 2-3 दिन तक रहने दीजिए, फिर बाद में जो है उसको आप हल्की हल्की धूप में आप ला सकते हैं। उसके बाद देखिए जो मैंने दूसरा एक जासूस का पौधा लिया, इसकी देखिए मिट्टी जो नर्सरी की मिट्टी हमें क्यों बदलनी चाहिए, क्योंकि देखिए मिट्टी कितनी कड़क होती है इसलिए उसमें जो है नर्सरी की मिट्टी को हटा देना चाहिए। तो आप इस तरह से पानी के अंदर आप उसको रख देंगे तो ऑटोमेटिक जो मिट्टी उसकी निकल जाती है। और देखिए एक के साथ में मुझे 2 पौधे मिल गए, मैं एक सोचकर लाई थी लेकिन उसमें से मैंने जब इसको मिट्टी हटाई तो मेरे 2 पौधे आ गए। इसको भी हम ये गत्ता मेरा आधा डिकम्पोज हो गया तो इसको मैं नीचे बिछा दूंगी और बिछाने से जो है क्या कि मेरी मिट्टी बह के जाएगी भी नहीं और ये जो है नीचे नीचे पानी गिरने से धीरे धीरे बस और भी डिकम्पोज होता रहेगा। इसके अंदर मैंने मिट्टी डाला, पौधे को सेंटर में रखा, सेंटर में रखने के बाद इसको मिट्टी से फिल कर दिया और फिर इसको भी जो है हम 2-3 दिन तक जो है शेडी एरिया में रखेंगे। वैसे तो इसको शेडी एरिया का ही प्लांट है, ये रबर प्लांट है, ये शेड में रहता है लेकिन थोड़ी देर के बाद में इसको ब्राइट लाइट में निकालूंगी, अभी तो फिलहाल जो है शेड में रखूंगी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप मेरे नए चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन को हिट करना ना भूले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।